दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं रोहित शर्मा आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज जो फेसबुक मार्केट प्लेस से रिलेटेड एक अपडेट आपको देने वाला हूँ जो कि मैंने खुद एनालाइज की है और इसके बारे में मेरे को पता चला, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसके बारे में बताया जाए। देखो दोस्तों, हुआ क्या है कि फेसबुक मार्केट प्लेस ब्लॉक होना, एक साथ ब्लॉक होना, ये एक इशू बन चुका है। अब इसे कैसे सॉल्व आउट करें, अगर आपके पास फेसबुक मार्केट प्लेस है तो भी आप उस चीज से बचें, और जिनकी ब्लॉक हो चुकी है उनके लिए भी आज सजेशन देना चाहूंगा कि अगर ब्लॉक हो गई है तो उसे कैसे अनब्लॉक कर सकती हैं, और वो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फेसबुक आपकी जो फेसबुक आईडी है उसको ब्लॉक क्यों करता है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके बाद हम उन रीजन को कैसे अवॉइड कर सकती हैं उसको समझेंगे, और कैसे आप अपनी फेसबुक आईडी को अनब्लॉक कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं सारी चीजों के बारे में। पहली चीज कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस पर सेल करती हो, सेल करने के बाद होता क्या है कि कभी कभी आप किसी कस्टमर को रिप्लाई नहीं देते, या किसी को जो प्रोडक्ट पहुंचता है घटिया प्रोडक्ट पहुंचता है वो आपकी रिपोर्ट करता है। आपको पता होगा कि फेसबुक मार्केट प्लेस में रिपोर्ट का ऑप्शन आता है और सेलर रिपोर्ट बायर रिपोर्ट ऐसे लिखा आता है, तो वो आपकी रिपोर्ट कर देते हैं। जब होता क्या है कि आपकी पोस्ट पर ज्यादा रिपोर्ट आने लगती है तो फेसबुक को ऐसा लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, स्कैम कर रहे हो आप कुछ चीज, तो इस वजह से फेसबुक आपको टेम्परेरी टर्मिनेट करता है, टेम्परेरी ब्लॉक करता है 7 दिन के लिए। लेकिन 7 दिन बाद भी आपकी रिपोर्ट कंटिन्यू ऐसे आती रहती है तो भी आपको परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके अलावा आप किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को डाल रहे हो, जैसे नाइकी है, या इसके अलावा बहुत सारी ब्रांड है जिनको फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट बोलते हैं, तो उन पर अगर कोई रिपोर्ट कर देता है, जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारे पेज हैं जो कि ऑफिशियल पेज है, जैसे नाइकी का पेज है, और अगर नाइकी की आपने टी शर्ट डाली तो नाइकी वाले अगर उस पर रिपोर्ट कर दें तो आपकी फेसबुक आईडी और फेसबुक मार्केट प्लेस दोनों ब्लॉक हो सकती हैं। ऐसे ही अगर आप बार बार लिंक शेयर कर रहे हैं, जैसे कि मैसेज किसी का आया आपने तुरंत लिंक शेयर कर दिया उसके साथ, और एक ही लिंक बार बार हर किसी के साथ शेयर होता है तो भी आपके फेसबुक मार्केट प्लेस के ब्लॉक होने के चांस रहते हैं। इसके अलावा आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो कि इनकी पॉलिसी के खिलाफ हैं तो भी आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, जैसे कि सेक्सुअल प्रोडक्ट होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ड्रग्स वगैरह होते हैं, गन वगैरह होती हैं, वेपन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको सेल नहीं कर सकते, हुक्के होते हैं, तो ये चीज़ें सेल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसी चीज़ें सेल करते हो तो आपको फेसबुक ब्लॉक कर देता है। अब भाई बात आती है, ये तो ब्लॉक ब्लॉक होना हो गया, अब एक सबसे बड़ा इशू, आप कुछ भी गलती नहीं कर रहे लेकिन आपने क्या किया, कुछ मोबाइल फोन में ऐसा होता है कि कोई आईडी पहले से ब्लॉक हुई होती है, जैसे कि आपके फोन में मार्केट प्लेस आप यूज करते थे वो हो गई ब्लॉक। अब ब्लॉक होने के बाद आपने क्या किया कि उसी मोबाइल में, ये ब्लॉक भी क्यों होती है, ये ट्रैक कैसे होती है, आपके मोबाइल के ईएमआई नंबर से फेसबुक ट्रैक कर लेता है कि आपकी जो एक्टिविटी हो रही है वो क्या हो रही है, उसकी वजह से उन मोबाइल्स को जिनमें वो फेसबुक आईडी है उनको ट्रैक कर लेता है। अक्सर क्या होता है, लोग क्या कहते हैं, हमारी एक आईडी ब्लॉक हो गई, हमने दूसरी आईडी बना ली लेकिन हमारी फेसबुक मार्केट प्लेस आई नहीं अभी तक, हमने सब कुछ कर लिया फेसबुक मार्केट प्लेस सो ही नहीं हो रही है। उसका इशू क्या है कि पहले तो उसी फोन में आपकी आईडी ब्लॉक हुई है, उसके बाद फेसबुक क्या करता है, एक सर्वर बना देता है और उस सर्वर में आपके मोबाइल का ईएमआई नंबर डाल देता है कि इस मोबाइल में आईडी चली थी जो कि कुछ अनफेयर एक्टिविटी की, तो उसकी वजह से इनकी फेसबुक मार्केट प्लेस ब्लॉक कर दी गई। तो सर्वर में ये एक डिस्क्रिप्शन और आपकी ईएमआई नंबर सेव हो गया। अब होगा क्या, उस मोबाइल में अब कभी भी आप कोई नई भी आईडी भी बनाओगे तो तुरंत वो ब्लॉक हो जाएगी, या उससे मार्केट प्लेस ब्लॉक हो जाएगी 2-3 दिन बाद, 7 दिन बाद, वो 101% वहां पे ब्लॉक होना ही होना है। आप नई आईडी बनाओगे तो मार्केट प्लेस वो देगा ही नहीं, तो ये इशू होता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपकी मार्केट प्लेस एकदम बढ़िया चल रही है, आपने क्या किया, जो लेडीज हैं कि शाम को हस्बैंड आया, हस्बैंड की ब्लॉक हो गई, आपने हस्बैंड के मोबाइल में अपनी फ्रेश आईडी खोल ली जो ऑलरेडी मार्केट प्लेस है, तो वो भी ब्लॉक हो जाती है 3-4 दिन में। तो ऐसे इशू आते हैं। अब आप कहते हो यार हमने कुछ गलत भी नहीं किया फिर भी ब्लॉक हो गई, तो यही रीजन है कि
उस मोबाइल की ईएमआई नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है उन्होंने कि इन्होंने गलत किया था, और इस मोबाइल में जितनी भी आईडी खुलेंगी वो सारी फेसबुक मार्केट प्लेस या तो देंगे नहीं, नहीं होंगी, तो जिनके में होंगी और वो ओपन करेंगे तो उनको भी ब्लॉक कर देंगे। तो ये एक एल्गोरिथम है जो हमको पता चला कि हाँ फेसबुक ऐसा कर रहा है। अब तो आपको क्या करना है कि नई आईडी, मैं क्या सोचता था, मेरी मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि अगर आपको फेसबुक मार्केट प्लेस चाहिए और आपकी ब्लॉक हो गई है तो आप क्या कर सकते हो, एक नई आईडी बना लीजिए। लेकिन याद रखिए कि आपकी जो ब्लॉक हुई आईडी है उससे नई आईडी की डिटेल मैच नहीं होनी चाहिए, ना नाम मैच होना चाहिए, ना नंबर मैच होना चाहिए, ना ईमेल आईडी, कोई भी चीज अलग अलग रखिए। नई आईडी बना रहे हो तो सारी चीजें अलग रखिए, 48 घंटे में फेसबुक मार्केट प्लेस आपको मिल जाएगी, और मिलती भी थी, ये रियलिटी है। और अब क्या हुआ कि लोग नई आईडी बना रहे फिर भी नहीं मिल रही, तो उसका इशू आपको समझ में आ गया होगा कि उसका ईएमआई नंबर ऑलरेडी उन्होंने फेसबुक के सर्वर में ब्लैक लिस्ट में डला हुआ है, इसलिए आपको मार्केट प्लेस नहीं मिल रही। अब भाई मार्केट प्लेस वापस आने के चांस कैसे हैं? अब देखो मैं आपको बताऊं, अगर मार्केट प्लेस आपको वापस चाहिए तो उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि अगर देखो ब्लॉक हो गया है तो आप ऐसा करो उसे भूल जाओ कि ब्लॉक हो गया, छोड़ो। अब आपको एक ऐसा मोबाइल यूज करना है जिसमें आपकी आईडी कभी ब्लॉक ना हुई हो। अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो तो इनोक्रेटिव मोड होता है एक, तो उसमें ओपन करिए, उसमें ओपन करके अपनी ईमेल आईडी बनाइए और नई ईमेल आईडी, नया मोबाइल नंबर, और उससे एक फेसबुक मार्केट प्लेस बना लीजिए। नॉर्मल ब्राउजर में यूज नहीं करना, इनोक्रेटिव मोड होता है, शायद आप 3 डॉट पे ओके करोगे तो सेकंड नंबर में मिल जाता है, उसमें आईडी बनाइए और 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद आपकी मार्केट प्लेस वापस आ जाएगी। तो इस ट्रिक को अपना के देख सकते हैं, आपको बेनिफिट जरूर होगा। तो बाकी का आपको पता होगा, जितने भी ट्रस्टेड और भरोसेमंद रीसेलिंग एप्लीकेशन है सभी के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 30 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा चलता है, उसका एक दिन फ्री ट्रेनिंग हम देती हैं। तो जो एक दिन की फ्री ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं जिससे आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि किस टाइप की आपको ट्रेनिंग मिलती है, तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ पर मैसेज डाल सकती हैं और एक वीडियो फ्री में देख सकती हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, आपकी जो राय हो फेसबुक मार्केट प्लेस के बारे में वो कमेंट करके बता देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।